दोस्तों सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रेम वाजपेयी, ब्लॉक रेवसा सीतापुर। सभी अपने सम्मानित यूट्यूब चैनल के सदस्यों का वंदन और अभिनंदन। आप सबका किरदार देखते रहिए, आपकी खबर आप तक। आपको बता दें कि प्रेमिका ने अपने प्रेमी को मौत के घाट पत्नी के संग मिलकर उतारने के बाद आज थानाध्यक्ष पुष्पराज कुशवाहा के द्वारा आलाकत्र सहित जेल भेजने की बड़ी कार्रवाई की। मैं दिखाऊंगा आपको अभी कुछ ही पलों में ये तस्वीरें, जिन लोगों ने रामू के कत्ल को स्वीकार करते हुए और पुलिस ने उनको जेल भेजा है, पत्नियों को। ये वही तस्वीरें हैं जैसा कि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखा होगा कि ये रामू मृतक जो है वो 12 सितंबर 2020 दिन शनिवार को गत दिनों गुमशुदा हुआ था घर से। और पुलिस कैसे पहुंची, पूरी खबर आपने हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखा और जिन जिन बिंदुओं पे उन बिंदुओं को इंगित किया गया था, देखा था। उसी मामलों में आज रामू के हत्यारों को पत्नी समेत दोनों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। लेकिन वहीं पर जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है और जो रामू का परिवार है, इस कार्रवाई से संतुष्ट नज़र नहीं आ रहा है। जैसा कि उनके कई अन्य लोगों पर आरोप थे, लेकिन पुलिस को जो सच्चाई मिली कॉल डिटेल से और वहां तक पहुंची और उन लोगों को ही जेल भेजा गया है, क्योंकि ये अनिल पुत्र सुंदर भार्गव हैं, ये बाजारपुरवा के ही निवासी हैं और उनकी पत्नी नीलम हैं भार्गव, जिनका मायका हिम्मतपुरवा में रेवसा थाना क्षेत्र थाने में चौकीदार हुसैनी हैं, उनकी ये बेटी हैं। और ये नीलम से छुपकर कई सालों से प्रेम प्रसंग में मिलता था, जो कि इसके पति को ना गंवारा लगता था और उसी बाबत योजनाबद्ध तरीके से खेल खेला गया। और जो खेल खेला गया, जो बिंदु उभर के आए, उसमें साफ जाहिर होता है, लोगों में चर्चा है आम जुबानी, कि एक व्यक्ति को नहीं मार सकते। विषम परिस्थितियों में चाहे जितना भी हो, लेकिन अपना पक्ष बचाव करता है, क्योंकि ये इंगित करते हैं कई बिंदु कि इसमें कई लोग संलिप्त होते हैं। सबसे बड़ी बात कि जो एक बिंदु उभर के आया है कि करीब मृतक का घर रेवसा की ग्राम पंचायत बाजारपुरवा का निवासी है और उसका शव जब मिला तो यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर मिला जहाँ पर अनिल भार्गव और उसकी पत्नी नीलम भार्गव का मायका है। ये एक शोचनीय और प्रश्नवाचक चिन्ह इस विषय पर लगाता है, कटघरे में खड़ा करता है, लोगों को सोचने पर विवश कर देता है। उसी बाबत आज पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है पकड़ करके। और वहीं पर मृतक रामू के परिजनों को भी बुलाया गया था मौके पर जेल भेजते वक्त, लेकिन वहां पर जो बात सामने आई और पीड़ित पक्ष के लोगों ने स्वीकार किया कि मैंने कहा कि मैं इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन एसओ ने कहा कि आप लिखित में दीजिए या पहले बताए होते तो पहले कुछ बताया नहीं। अब आप काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या आपके कहने से हम पूरे गांव को जेल नहीं भेज सकते? जो सच्चाई है वही करेंगे और नाजायज तरीके से किसी को नहीं भेजा जा सकता। जैसा कि इस बाबत में जब संतुष्ट परिवार नहीं हुआ और इस बाबत बात की गई पुष्पराज कुशवाहा से, तो उन्होंने ये बात को बताया कि पहले से कई छानबीन की, लेकिन पहले कुछ किसी का आरोप नहीं बताया और अब वो कई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर वो लिखित में देते हैं और उनकी सच्चाई से जांच की जाएगी, जांच में अगर सही पाए जाते हैं तो उनको जेल भेजा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, ये बात कही। आप देख सकते हैं ये वही हत्यारे हैं, पत्नी जिनको जेल भेजा जा रहा है और ये बाजारपुरवा के निवासी हैं। और अनिल भार्गव पुत्र सुंदर और पत्नी नीलम, जबकि
इसके परिवार के, अनिल के परिवार के और इसके साले को, करीब 5 लोगों को उनके परिजन हत्या आरोप में शामिल होना बताया जा रहा है। लेकिन परिवार रामू का, मृतक परिवार रामू के, मृतक रामू का जो परिवार है वो संतुष्ट कार्रवाई से नज़र नहीं आ रहा है, ये बताया जा रहा है। बीटीसी नंबर डालो।